हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। कैसा गया है मंडली? फिलहाल हूँ मैं थाना में। बहुत ज़्यादा टाइम लग गया थाना आते आते, लगभग 2 घंटा। ये पैनियर अपन खुद बना रहा है, थोड़ा टाइम लगेगा अभी प्रोडक्शन में एंड में। पिछले 1 साल से इसको बना रहा हूँ, अभी थोड़ा सा ठीक ठाक लग रहा है। और ये है अपने पैनियर्स, ऑलरेडी जो डर्ट सक के है, तो अभी उनको निकाला जा रहा है क्योंकि बहुत ही जल्द मेरे गाड़ी के ऊपर 2 न्यू पैनियर्स रहेंगे जो कि खुद मैंने डेवलप किए हैं। तो पहले उन सब की टेस्टिंग होगी, फिर एक प्रॉपर प्रोडक्शन वर्जन के ऊपर आऊँगा। अभी तक मैंने लगभग 4 एल्यूमिनियम पैनियर्स जो है उनको रिजेक्ट किया है, एंड अभी 5th वन जो है वो काफ़ी पसंद आ गया मुझे। जो बनाने वाला है बंदा अच्छा है, सब सही है, लेकिन प्राइसिंग बहुत ज़्यादा जा रहा है। तो दैट्स व्हाई थोड़ा अभी फिर से सर्चिंग शुरू है कि यार यही सेम चीज़ और कोई अगर कम पैसे में बना के दे सकता है तो फिर अच्छा रहेगा। क्योंकि मेरा मेन मोटिव तो ये है कि हर एक बंदे के पास पैनियर होना चाहिए, हर एक बंदा पैनियर लेके इंडिया ट्रैवल करना चाहिए, क्योंकि बहुत सही रहता है यार। लाइक वाटरप्रूफ रहता है, सेकेंड चीज़ जो रहता है वो लॉक रहता है, तो मतलब आप किधर भी लॉक करके जा सकते हो कोई भी डेस्टिनेशन घूमने के लिए। क्योंकि अपने इंडियन कंडीशन के लिए जो लॉक की सेफ्टी है आपके गाड़ी के ऊपर के लगेज की, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। जो ना सब सामान रहता है अपना यार, अच्छे अच्छे कैमरा, लैपटॉप, ये वो, अपन ऐसे कहीं पर भी छोड़ के नहीं जा सकते बंजी कॉर्ड के ऊपर। सो दैट्स व्हाई फिलहाल अंडर कंस्ट्रक्शन है, अंडर डेवलपमेंट है, लगभग 1 साल से अंडर डेवलपमेंट है। मैं भूटान जाने से पहले से ये चीज़ के ऊपर काम कर रहा हूँ, और अभी भी जो है प्राइसिंग और क्वालिटी, इन दोनों का जो मिक्सचर रहता है वो अभी तक बराबर से नहीं पा पाया हूँ। अभी अपने को जाना है सह्याद्री, तो सह्याद्री मोटर्स में मेरा कुछ काम है, तो वो काम आपको वहाँ पर जाके बताता हूँ। तो ये सब किया है फिलहाल मेरे बाइक को मैंने, और आनंद भाई अपने को यहाँ पे मिलने आ गए जैसे इंस्टाग्राम स्टोरी देखी तो आ गए मेरे को मिलने के लिए। अभी जो ये पीछे के दोनों पैनियर्स है वो मैंने एक्चुअली सह्याद्री में छोड़ दिए, क्योंकि अभी मेरे को वो नहीं चाहिए। सो दैट यू नो कोई अगर दूसरा बंदा आ रहा है तो जो 20,000 के पैनियर है लगभग, मुझे लगता है 14-15 हज़ार में या फिर 10,000 में बिक जाएंगे। तो अभी यहाँ पे जिस तरह से बेचेंगे तो यस, अगर किसी को पैनियर्स लेना है मेरे वाला डट सक का, तो सह्याद्री को कॉन्टैक्ट कीजिए और मेरे पैनियर के लिए पूछना। अभी ये पैनियर को लेके जाते हैं एक फैब्रिकेटर के पास, बहुत सारे काम है आज के दिन में, ठीक है चल। अरे बाप रे, बहुत ज़्यादा हल्का हो गया रे गाड़ी मेरा। ओहो, अभी इतने से गैप में निकाल सकता हूँ क्योंकि नो पैनियर्स। पैनियर के बाद गाड़ी थोड़ा हल्का हो जाता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पैनियर का जो एडवांटेजेस है वो थोड़ा ज़्यादा है। अभी फ़िलहाल घर की तरफ निकल रहा था लेकिन फटाक से यूटर्न ले लिया, मतलब जो थाना का मेन एंट्रेंस के ऊपर आप यूटर्न ले सकते हो वो वाला, इसलिए लिया गया है यूटर्न क्योंकि भाई जो ट्रैफिक थी, मतलब कलवा का एक ब्रिज है वहाँ तक जो ट्रैफिक रहता है ना वो बहुत गंदा रहता है और पूरी हालत ख़राब हो जाएगी। उससे अच्छा ये चीज़ रहेगा कि मैं बाइक को लेके अपना जो ऐरोली वाला रोड है वहाँ से जाऊँ। मतलब कल्याण जाने के लिए 2 रोड है थाना से, एक तो आप ऐरोली के थ्रू जा सकते हो और एक जो है वो है सीधा भिवंडी और नासिक हाईवे के ऊपर से। और ये है इंडियन, वाह मस्त गाड़ी लग रहा है, एकदम राजा गाड़ी। MH14 HJ4। मुझे लगता है कहीं पे तो लॉन्ग रूट नहीं, मुझे लगता है संडे राइड मार के आया बंदा। अरे यार ये तो लग गई यार मेरी, शिट यार, इधर भी पूरा ट्रैफिक है और मेरे को
शायद से एक रोड तो है, लेट मी सी कि अगर वो रोड दिखा था गूगल मैप्स में तो अच्छा रहेगा, तो ये बहुत ज़्यादा गंदा होने वाला सिनारियो। पूरा वाटरप्रूफ के लिए जुगाड़ करके रखा था मैंने। नाउ लेट सी अगर कुछ दिखता है तो अच्छा रहेगा यार। डायरेक्शन और ये रहा बाइक का रूट। अरे यार गई भैंस पानी में, 10 मिनट्स लोअर। ओके मतलब कुछ भी करके इसको तो कवर करना है। तो यार ट्रैफिक में कैसे निकल मोड़ा प्रॉब्लम है यार, कहाँ गर्दी है, शिट बाप रे, यहाँ गर्दी इतने निकलना मंजिल ले अवगढ़ का मैं यार। थाना के ये साइड भी ट्रैफिक, वो साइड भी ट्रैफिक, यही सेम हालत हमारी कल्याण की भी है। लाइक कल्याण में एंट्री करना एंड एग्जिट करना इज़ वेरी 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 डिफिकल्ट। अरे ब्रिज छोटे है और ब्रिज के पहले ट्रिपल लेन रोड, ब्रिज के बाद ट्रिपल लेन रोड, तो ब्रिज बढ़ाना ही भूल गए अपनी गवर्नमेंट, तो ट्रैफिक तो होने ही वाला है। और ऊपर से आगे टोल नाका रहेगा। अरे वाह रोड का काम भी चालू है, बहुत बढ़िया भाई। ये बिजी रोड थोड़ी है जिसको रात में काम किया जाए, ये तो ऐसा ही थाने का बाजू का गली है, तो इसमें क्या दिन में काम हो जाएगा। क्या लोग है यार, ठीक ठाक खाली होने तो लगा है। गूगल मैप भी बोल रहा था कि यही रोड से जाइएगा, तो ठीक है अभी खुल गया। जैसे देखो जैसे ब्रिज चढ़ गया मैं गाड़ी बराबर से आगे आगे निकल आई। ये देखो इधर भी वही सेम ट्रैफिक है गाइस, यहाँ पे नीचे 4 या 5 लेन का रोड है और वो आगे जाके जो ब्रिज है वो खाली 2 लेन का, तो बताइए कैसे काम चलेगा। यहाँ पे पेट्रोल भरवा लेता हूँ क्योंकि मेरा जो लास्ट कांडी रहता है वो भी अभी दिखना बंद हो गया है। आंशी पॉइंट 12 करा, फुल करा। अबे अरे बाप रे, अरे महिन्यापासून खोललंच ना। हां खुला एक महीने से खुला ही नहीं है। एक नहीं मुझे लगता है लगभग 2 महीना हो गया जब से गाड़ी की सर्विसिंग हो गई है, तब से इसको खुला ही नहीं है मैंने। कैश में एक 10 लीटर में इस कितना चली, 233, मतलब मैंने ज़ीरो किया था, सो दैट मीन्स सिटी में 23 का एवरेज है भाई। अभी बाकी आप देख लो आपको एवरीडे यूज़ के लिए लेना है कि नहीं डोमिनार। हाँ कई लोगों को 25 तक देगी, लेकिन मेरा पूरा बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में गाड़ी चला हुआ है तो 23 ही आएगा। अब इसको क्रॉस करना बहुत बड़ा मुश्किल काम है भाई।